बनाया गया है, उन्होंने विश्वकर्मा जी को सौंपा था भार। विश्वकर्मा जी एक ही दिन में, एक ही समय में 12 सूर्य मंदिर का स्थापना किया पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, जिसमें हमारे बिहार में 4 हैं और एक उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा का तो मैसूर में कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, हाँ। कोणार्क वाली। और 7 जो है हिमालय की तराई में। अच्छा, अब रही बात दूसरी की, इसका दरवाज़ा सभी जगह मंदिर का पूरब की ओर होता है, हाँ। हमारे यहाँ पश्चिम का, विश्व में से ये पहला सूर्य का मंदिर है जिसका दरवाज़ा पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में। अच्छा, तो औरंगजेब के समय में जब मुगल शासक का साम्राज्य था, अच्छा, तो लोग मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था, और हमारे यहाँ बगल में बेशमक परगना है जो कि लोग का राजधानी था। अच्छा, बेशमक गांव देख रहे हैं, तो इधर से सेना जब क्रॉस करती थी। औंगारी धाम बहुत फेमस है छठ पूजा के लिए, यहाँ बहुत मान्यता है। और औंगारी धाम में जो पंडित जी हैं उनसे बात करने से ये पता चला कि यहाँ कुल 1456 मूर्तियाँ थी इस औंगारी धाम में। और औरंगजेब की जो सेनाएं थी वो क्या करती थी कि मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाते थे, और जिस मंदिर में डायमंड हो या चुंबकीय पदार्थ का कोई पार्ट हो, हिस्सा हो, उसको तोड़ के ले जाना उनका मुख्य काम होता था। और यहाँ 1456 मूर्तियों में भी चुंबकीय पदार्थ वाले भी मूर्ति थे जिनको भी वो तोड़ कर ले गए। तो बहुत सारे जो मूर्ति हैं अभी भी इस मंदिर में वो भी टूटे हुए आपको मिलेंगे और छत बिछत मिलेंगे। तो औरंगजेब का आज के समय में अंगारी धाम में कुल 32 मूर्तियां बची है, ऐसा यहां के पंडित जी ने बताया। अंगारी धाम में इस तालाब में लेकिन मछली मारना मना किया हुआ है, कोई मछली मार नहीं सकता इस तालाब में। तालाब में मछली इसलिए रहता है कि तालाब को गंदगी से मछली बचाता है। अंगारी धाम में मध्य विद्यालय है, अंगारी धाम ने कॉलेज भी है, और लाल सिंह त्यागी LST कॉलेज बोलते हैं, जहाँ से इस एरिया के ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएट होते हैं इंटरमीडिएट।